नगर पंचायत गोवर्धन दे रही बड़े हादसे को न्योता। मामला गोवर्धन नगर पंचायत के अंतर्गत ईदगाह के सामने नई बस्ती का है, जहां सीवर लाइन के मेन होल खुल हुए होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी शिकायत स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार नगर पंचायत चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोवर्धन को की जा चुकी है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। क्या यह सभी अधिकारी किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ और, यह तो वक्त ही बताएगा। मगर हाल की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों के घर के सामने गंदी नालियों का पानी जमा होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या नहीं, या फिर यह लोग यूं ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहेंगे। क्या नाम है आपका? एमराज एडवोकेट। यहाँ पे ये दिक्कत देखने को मिल रही है, नालियों में जल भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है और कुछ सीवर के गड्ढे भी खुले हुए पड़े हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा तो ये कहना है कि कई बार निवेदन कर चुके हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। रात को आदमी आता है, गिर जाता है गड्ढों में, किसी का टांग टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई सफाई होती है मोहल्ले में, इतनी गंदगी है, हद से ज्यादा गंदगी है। कोई ध्यान नहीं है किसी का, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नगर पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी ना ईओ ना कोई चेयरमैन ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतना माहौल खराब है मोहल्ले का, हद से ज्यादा माहौल खराब है। ना मेंबर ध्यान देता है, मेंबर तो आगे देखता भी नहीं है। हाँ क्या मोहल्ले में हो गया है, क्या हाँ मोहल्ले में हमारे में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आज ईद का भी मुस्लिम भाइयों का हमारे का त्योहार है, शांति प्रिय ईद मनाए अपने, हंसी खुशी मिलती।